नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री आवास समक्ष महंत की पत्नी आत्मदाह करने पहुंची। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने आत्मदाह करने से रोका, न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। चिनट सत्रिक रोड पर स्थित पलटू दास आश्रम के महंत की 2 वर्ष पहले हुई थी हत्या। भूमाफिया के इशारे पर महंत के परिजनों मुकदमा वापस लेने का बना रहा दबाव। मुकदमा वापस ना लेने पर महंत परिजनों को जान से मारने की दी धमकी। महंत की पत्नी ने मुख्यमंत्री से न्याय की लगाई गुहार। महंत परिजनों को आरोपी पक्ष से धमकाने के मामले में कार्रवाई। मैं खुशबू दिनेश सहंत पलटूदास आश्रम की निवासी हूँ। मेरे पति वहाँ के महंत थे। 2 वर्ष पूर्व मेरे पति की कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से एक हिस्ट्री सीटर द्वारा दिन दहाड़े उनकी हत्या करवा दी गई है। हत्या करवाने के बाद जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया, सुरक्षा का, मेरे बच्चों के भरण पोषण के दिया गया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब मेरे मुकदमा मेरे एकदम गवाही पे आ गया है। मुझे आए दिन धमकी दी जा रही है, मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कहते हैं कि 2 10 गोली उनको मारे, 2 गोली तुम लोगों को, 2 ही गोली काफी है। अब गवाही मैं कोर्ट जाती हूँ, मेरी वहाँ फाइल गायब कर दी जाती है। आए दिन मुझे रोज कुछ न कुछ जो है डराने धमकाने की जो है धमकियाँ मिल रही हैं। मैं कहीं जाती हूँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, मुझे कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। मैं आज मुख्यमंत्री आवास पे मुख्यमंत्री जी से अपने अपने दर्द को बयां करने आई थी। मेरे पति एक महंत थे, क्या मैं इस महंत के सरकार में महंत को न्याय नहीं मिलेगा? उनके पत्नी को, उनके बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा? समाज सेवा करने का क्या यही जो है न्याय मिलता है कि उनके बच्चों को, उनके महंत को, उनके परिवार को जो है आत्मदाह करना पड़ेगा?